17.9 साबुन तथा अपमार्जक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। क्रियाकलाप एक, दो परख नलियां लीजिए और उन्हें क और ख नामांकित कीजिए। दोनों परख नलियों में 10-10 ml आसूत या मृदु जल लीजिए। दोनों में 4-4 बूंद खाने का तेल डालिए। परख नली ख में साबुन के घोल की कुछ बूंदें डालिए। दोनों परख नलियों को समान समय तक जोर जोर से हिलाइए। थोड़ी देर बाद दोनों परख नलियों में तेल और जल की परतों को देखिए। क्या तेल की परत अलग हो जाती है? ऐसा कौन सी परख नली में पहले होता है? इस क्रियाकलाप से सफाई में साबुन के प्रभाव का पता चलता है। अधिकांशतः मैल तैलीय होती है और हम जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जिसे RCOOM द्वारा व्यक्त करते हैं। साबुन को जल में विलेय करने पर साबुन धातु आयन M धनायन और RCOO ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। RCOO ऋण आयन के दो भाग होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R जो कार्बोक्सिलेट आयन की पूंछ बनाती है तथा तेल के अणुओं से जुड़ जाती है। दूसरा COO ऋण आयन भाग जो सिर बनाता है तथा जल में विलेय होता है। जब कपड़े को साबुन के घोल में डुबाया जाता है तो साबुन का ऋण आयन तेल मैल के चारों ओर गोलीय आकार में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा पूंछ अंदर की ओर तथा COO ऋण आयन वाला सिरा बाहर की ओर कांटों की तरह निकला रहता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल संरचना चित्र 4b के अनुसार तैयार करते हैं। मिसेल के कण पानी में वितरित हो जाते हैं। इस प्रकार चित्र 4s के अनुसार एक कोलाइड बनता है जो रगड़ने पर पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाता है। बच्चों, आप घर में कपड़े तो धोते ही होंगे और आपने ये देखा होगा कि जब आप साबुन के साथ कपड़े धोते हो तो कपड़े बहुत अच्छे साफ होते हैं और जब आप साबुन के बिना कपड़े धोते हो तो कपड़े उतने अच्छे साफ नहीं होते। आखिर क्या करती है यह साबुन? आज इसी प्रक्रिया को जानने के लिए हम इस क्रियाकलाप करेंगे। तो इसके लिए मैंने दो परख नली लिया है, परख नली अ और ब। दोनों में मैंने समान मात्रा में मृदु जल लिया है। अब इसके बाद मैं दोनों परख नलियों में समान बूंदें तेल की डालती हूँ। दो, तीन, चार, मैंने 4 बूंदें तेल डाल ली। इसी प्रकार मैं परख नली ब में भी 4 बूंदें तेल की डाल देती हूँ। बच्चों, तेल इसलिए क्योंकि हमारे कपड़ों की जो मैल होती है वो भी तैली प्रकृति की होती है। इसके बाद मैं केवल परख नली अ में 4 बूंदें साबुन की डालती हूँ। अब ये दोनों परख नलियों को समान समय तक हिलाकर हम इस तरह छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। बच्चों देखिए, परख नली ब जिसमें हमने साबुन नहीं डाला था उसमें तेल की परत निकलकर ऊपर आ गई है, क्योंकि तेल पानी में अविलेय होता है। ठीक इसी प्रकार जब हम कपड़ों को बिना साबुन के धोते हैं तो तेल निकलकर बाहर नहीं आ पाता और हमारे कपड़े साफ नहीं हो पाते। दूसरी ओर परख नली अ जिसमें हमने साबुन डाला था, आप देख सकते हैं कि इसमें तेल की बूंदें अभी भी पानी में घुली हुई है। इसलिए बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं
साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। जब हम इन्हें पानी में डालते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं और इनका जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वह अपने एल्किल मूलक वाले भाग से तेल से जाकर जुड़ जाता है और एक गोलाकार संरचना बना लेते हैं। इस तरह से एक कोलाइड बनता है जिसे हम मिसेल कहते हैं। और इसके बाद जैसे ही हम कपड़े को थोड़ा रगड़ते हैं और पानी में डुबाते हैं, ये सारी मैल निकलकर बाहर आ जाती है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं।